हेलो गाइस, वेलकम टू टार्गेट जेई नीट। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई का पेपर भी हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया है। आप लोग अच्छे रिजल्ट आए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और अब मैं जो है नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपका 22 सितंबर से स्टार्ट करूँगा। शुरुआत होगी 11, 12 और उसके बाद एडवांस करते हुए आपका जो है जेई मेन और एडवांस के सारे कराए जाएंगे। कहीं भी कोई चीज़ बाकी नहीं रखा जाएगा, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताए जाएंगे। तो आप लोग जो है अपना सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। जब सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या क्या उसमें है, क्या नहीं है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या टाइमिंग होगी, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो मिसलेनियस के हैं। जैसे आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी लिमिट एक्स क्यूब से एक्स तक इक्वल टू एक्स, ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे होते हैं, एक वेरिएबल डी है, दूसरा वेरिएबल ये है, तो इस केस में हम जनरली क्या यूज करते हैं, न्यूटन लैबनीज थ्योरम। ये क्या कहता है, कभी अगर कोई इंटीग्रल ऐसा दिया हो, यहाँ पे आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, यहाँ आपका एफ टी डी टी अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसका हम डी डी एक्स निकालते हैं, ये बन जाता है, पहले इसको रखेंगे जी एक्स और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स, ये चीज़ यहाँ रख देते हैं और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसा कर लेते हैं। अब अगर इसको हम वन मान लेते हैं और पूरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ डी डी एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी आपका अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स कर देते हैं उधर वन हो जाएगा। अब यही रूल अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, पहले जीरो आएगा और उसके बाद उसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ जीरो, जीरो की जगह इसको एफ जीरो लिख देते हैं और माइनस आपका एफ एक्स क्यूब और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। तो इसको ये तो जीरो हो गया आपका, जीरो माइनस और यहाँ से आपका आ गया क्या, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स क्यूब और राइट साइड में आपका क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो इसको सब उधर ले जाते हैं, एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एट, अगर यहाँ टू रखते हैं तो एट हो जाएगा, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ एट इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इंटू फोर माइनस वन बाय ट्वेल्व, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, दिया हुआ है given y is equal to ln tan 4x cube plus 2x, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है then find dy dx at x is equal to 2, ऐसा करना है तो इसको आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डी वाई डी एक्स लिखते हैं तो पहले क्या होगा, ये पूरा x हो गया तो 1 बाय x आ गया, तो ये आ गया आपका tan 4x क्यूब प्लस 2x। अब उसके बाद डी डी एक्स ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, तो 4x क्यूब क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया। और जब हम 2 रखेंगे इसमें डी वाई डी एक्स एट 2 तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर 4 इंटू 8 प्लस 4
इंटू इधर हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 4 इंटू 8 प्लस 4 यहाँ से क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर है, यहाँ cos बाय यहाँ sin बाय cos होगा तो कट जाएगा, ये बन जाएगा cot, यहाँ से कितना हुआ cot 4 एट जम 32 प्लस 4 36, ये सारा कट जाए 36 और इसके पहले लगा देते हैं इक्वल टू ये हो गया और ये कितना 12 फोर जा 48 और प्लस 2 50 कॉट किया आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, अगर याद है तो लिख सकते हैं, अगर से छोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, अगर कभी ऐसा दिया होता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2 dx, ऐसा दिया हो तो इसे आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10x³ प्लस 10 ओवर द इंटरवल ओवर द इंटरवल 6 8 एंड माइनस 3 3, ये निकालना है। तो एवरेज निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो होता है वो क्या होता है डिवाइड डी एक्स होता है, तो पहले डिवाइड डी एक्स इस पर निकाल लेते हैं फिर इस पर निकाल लेते हैं उसके बाद दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो आपका डीवाई डी एक्स यहाँ लिख देते हैं 6 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30x² और 30x² हो गया, तो रख देते हैं वैल्यू, तो 10 इंटू आपका 6 इंटू 6 360 आ गया और dy dx माइनस 3 और 3 ये हो गया 10 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 90। अब एवरेज रेट जो आ गया तो ये तो सारे रेट हैं, रेट का एवरेज निकालना है तो एवरेज रेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 360 प्लस 90 बाय 2 ये आपका हो गया 0 और 9 प्लस 6 बाय 2 इसको काट दिया आपका 225 एवरेज रेट आ गया, जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो आ गया वो आपका 225 है। तो इसमें सिर्फ बॉडिंग में था रेट ऑफ चेंज आपको पता है, यहाँ एवरेज लगा के थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 है जो लिमिट का है, बहुत इजी है, इसमें लिखा हुआ है लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी, छठवा है आपका एल टी एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं, अगर इसको हम चेक कर लेते हैं ये आप कर लेगा, एक मैं कर देता हूँ। अब यहाँ जीरो रखते हैं तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, यहाँ से इन्फाइनाइट का मतलब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म आ गया, तो इसको पहले कंबाइन करते हैं, तो एल टी टी टेंस टू 0 इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी ये यहाँ होगा माइनस टी डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पे हो जाएगा
टी स्क्वायर प्लस टी, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू एल टी, टी टेंस टू जीरो, यहाँ ऊपर टी स्क्वायर है और नीचे यहाँ से टी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर और वन प्लस टी, ये भी कट गया, ये वन बाय वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन आ गया। ऐसे अगर सिक्स को सॉल्व करते हैं तो सिक्स में क्या होगा, हम क्या करते हैं यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, नीचे आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर नाइन माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गए। अब जब हम यहाँ हमारी लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, जब ये रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर क्या है माइनस वन बाय नाइन भी आ गया, ये भी आपका हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। सातवा क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड एफ इनवर्स जीरो गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू टू एक्स अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये दिया है, ऐसा इंटीग्रल दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, एफ इनवर्स डैश, एफ इनवर्स का डिफरेंशियल किस पे निकालना है, जीरो पे, तो पहले एफ इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जीरो रख के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आठवां, ये इंटीग्रल है आपका इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस वन पावर थ्री बाय फोर, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसमें क्या करते हैं हम इसको वन बाय के फॉर्म में लाते हैं, एक्स पावर फोर कॉमन लेंगे, जब एक्स पावर फोर कॉमन लेंगे तो फोर इंटू थ्री बाय फोर, ये क्यूब बाहर आ जाएगा, तो क्यूब और टू बन के फाइव बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर फाइव वन प्लस वन बाय एक्स पावर फोर पावर थ्री बाय फोर, अब इसको टी लिख देंगे कुछ, वन प्लस वन बाय एक्स पावर फोर इज इक्वल टू टी माइनस फोर इंटू वन बाय एक्स पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स बाय एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर डी टी, तो यहाँ से ये बन जाएगा माइनस वन बाय फोर इंटीग्रल ऑफ डी टी बाय टी पावर थ्री बाय फोर इज इक्वल टू आपका माइनस वन बाय फोर टी पावर माइनस थ्री बाय फोर डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर टी पावर वन बाय फोर बाय वन बाय फोर प्लस सी, ये अब ये कट जाएंगे, ये हो गया माइनस, और टी कितना है आपका एक्स प्लस वन प्लस वन बाय एक्स पावर फोर पावर वन बाय फोर प्लस सी, ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर नाइन है, फिर में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, दैट मेक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बिलो एवरीवेयर कॉन्स्टेंट, पहले ए की वैल्यू बताओ, अगर ये वैल्यू ऐसी है जो जो भी फंक्शन अभी नीचे लिखूंगा वो उनको क्या करता है, हर जगह एवरीवेयर कंटिन्यूअस बनाता है, तो पहला इसका है ए जो क्या कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए कब, जब एक्स आपका लेस देन टू है। दूसरा है ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू टू। बी पार्ट है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है फोर माइनस एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स आपका लेस देन माइनस वन है और एक्स स्क्वायर माइनस वन है जब आपका एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन ये दिया हुआ है। साथ में आपको फाइंड बोथ द लिमिट्स भी निकालनी है और लिमिट बराबर होंगी तभी ये कंटिन्यूस होगा। तो कहने का मतलब है आपको दोनों लिमिट को इसकी लेफ्ट से निकालनी है, इसकी राइट से निकालना, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि कह रहे हैं सबको कंटिन्यूस बनाता है। ए मिल गया वैसे माइनस वन और वन पे लेफ्ट है ये बराबर है पहले से दिया हुआ है करके निकाल लेंगे। जब लिमिट आ जाएगी बता देंगे इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अलग हो जाएगी आप जोड़ देगा। तो ये कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ बी रिमेंबर फ्रॉम 22nd of September आई एम स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम वेरी बिगनिंग्स मीन्स बेसिक टू एडवांस लेवल। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, प्लीज़ पिंग मी, प्लीज़ मैसेज मी और ट्राई टू सब्सक्राइब सो दैट विल स्टार्ट योर क्लासेज एंड विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू गाइज़।